हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उम्र 30 से ज्यादा है तो एक बार जरूर देखें ये वीडियो। आइए जानते हैं इसके बारे में। बढ़ती उम्र के साथ ही लोगों के घुटने कमजोर हो जाते हैं और ऐसे में घुटनों में तेज दर्द, चलने फिरने में मुश्किल एक आम बात है। लेकिन आजकल तो कम उम्र के लोगों पे भी ये समस्या देखी जा सकती है और इसका प्रमुख कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी होना, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जिसके कारण घुटनों में तेज दर्द और चलने फिरने में समस्या होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगी जिनकी वजह से आपको ये परेशानियां हो सकती हैं, और अगर आपकी दिनचर्या में भी कोई ऐसा कारण है तो आप उसे सुधारिए और उस बात पर ध्यान जरूर दें। आइए जानते हैं किन कारणों से लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है अधिक वजन उठाना। अधिकतर महिलाओं में भी घुटनों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण होता है घर का अधिक काम करना और उस दौरान भारी चीजें उठाकर इधर उधर करना। इससे घुटनों पर भार पड़ता है और जिससे वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरी चीज है मोटापा। अधिक मोटापे की वजह से भी घुटने खराब हो जाते हैं। इससे शरीर का सारा वजन घुटनों पर पड़ता है, जिससे घुटने कमजोर हो जाते हैं और जोड़ों में दर्द होने लगता है। तीसरी चीज है ज्यादा एक्सरसाइज करना। शरीर को फिट रखने के लिए लोग जिम में जाकर घंटों वर्कआउट करते हैं। इनमें से कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जिनसे घुटनों पर जोर पड़ता है और वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक जॉगिंग करने या दौड़ने की वजह से भी घुटनों पर दर्द हो सकता है। हाई हील पहनना भी एक मुसीबत वाली चीज हो सकती है। महिलाओं को ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन रोजाना और अधिक देर तक इन्हें पहनने से घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। थैंक यू।